अग्निशिखा बेस्ट गार्डन में आप सबका स्वागत है। मैं जफर आपके सामने लेकर आता हूँ अपने घर के आसपास पाए जाने वाले उपयोगी पेड़ पौधों की जानकारी। आज जिस पौधे के बारे में हम जानने वाले हैं उसका नाम है चित्रक। इस वीडियो में हम पाएंगे इस पौधे की पहचान, इसकी टैक्सोनॉमी, इसके अलग अलग नाम, इसके केमिकल, इसके गुण, इसके इस्तेमाल और क्या क्या सावधानियां हमने इसका इस्तेमाल करते समय रखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ही उपयोगी जानकारी जो हमारे पूर्वजों के साथ विलुप्त हो गई है मैं लेकर आता हूँ। तो आइए अब विस्तार पूर्वक जानते हैं चित्रक के बारे में। साथियों, आप वीडियो पे जो देख रहे हो इसका नाम चित्रक है, इसे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ये एक झाड़ी नुमा लंबे समय तक हरा रहने वाला पौधा है। ये 3 से 8 सेंटीमीटर लंबी पत्तियों के साथ होता है। इसकी पत्तियां 2 से 4 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। इसके फूल कांटेदार होते हैं। फूलों के आधार पर इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, सफ़ेद चित्रक, लाल चित्रक और नीला चित्रक। इसका लैटिन नेम प्लम्बैगो जेलेनिका और जे प्लम्बैगी नेशी फैमिली का मेंबर है। इसे हिंदी में चीता, चीत, चित्रक या चितूर कहते हैं। इंग्लिश में इसे सिलोन लेडवर्ट, वाइट फ्लॉर्ड लेडवर्ट, वाइट लेडवर्ट इत्यादि कहते हैं। तमिल में इसे चित्राकम या कोदीवेल्ली कहते हैं। मलयालम में वेला कोट्टीवेरी, कोट्टुवेल्ली। संस्कृत में इसे चित्रक या अग्नि कहते हैं। उर्दू में इसे चिता लकड़ी, उड़िया में चितामूल, कन्नड़ में चित्रक मूल, गुजराती में चित्रो या चित्रा, तेलुगु में तेल्ला चित्रमुल्लामु, बंगाली में चुत्रक, नेपाली में चितू, पंजाबी में चित्रक और अरेबिक में इसे शीतराज कहते हैं। इसमें बहुत से केमिकल होते हैं जो कि इसे उपयोगी बनाते हैं, जैसे चित्रानोन, प्लबैजिन, 3-क्लोरोप्लबैजिन, ड्रोसिरोन, जीलानोन, प्लबैजिक एसिड एट्सेट्रा। इसके अब आयुर्वेदिक गुणों को जानते हैं। इसका रस अर्थात टेस्ट कटु होता है, कड़वा होता है। गुणों में ये लघु है, रूक्ष है और तीक्ष्ण है। वीर्य इसका उष्ण होता है और विपाका कटु। ये बहुत सी मेडिसिन में पाया जाता है, जैसे चित्रक हरी तकी, चित्रा कड़ीवटी, कल्याणम गुलम इत्यादि। आइए अब जानते हैं इसके बहुत से उपयोग जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने से पहले अपने वेद, हकीम या चिकित्सक से सलाह मशवरा जरूर कर लें और इसे नियमित तौर पर और उचित मात्रा में ही खाएं। नाक से खून बहना, जिसे नकसीर बहना भी कहते हैं। कुछ लोगों को अचानक नाक से बिना कोई चोट लगे खून बहने लगता है। ऐसी स्थिति में 2 ग्राम चित्रक शहद के साथ लेने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। सर्दी और खांसी में 10 ग्राम चित्रक की जड़ लेने से सर्दी खांसी में बहुत जल्द आराम मिलता है। हृदय की दर्द में 10 ग्राम चित्रक सुबह और शाम लेने से हृदय में दर्द में आराम मिलता है। सिरदर्द होने पर चित्रक की जड़ का चूर्ण नाक में लेने से सिरदर्द ठीक हो जाती है। गंडमाला या गोइटर होने पर भल्ला तक का शीश, चित्रक, दंती मूल का चूर्ण बना लेना है और गुड़ और थेहूर के दूध और आग के दूध में इसे मिलाकर गोइटर पर लेप करने से गोइटर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। पेट के विकारों में चित्रक एक रामबाण औषधि है। इसका उपयोग इस प्रकार करें, सेंधा नमक, हरितकी, पिपली और चित्रक चूर्ण सबको एक समान मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें और 1 से 2 ग्राम जल के साथ प्रतिदिन इसे लें तो पेट के सारे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन होने पर इसे कब्जी कहते हैं। घी में पके हुए चित्रक का काढ़ा 5 से 10 ग्राम सुबह शाम लेने से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी में बहुत आराम मिलता है। बवासीर हो जाने पर 2 ग्राम चित्रक की छाल सुबह शाम शाश के साथ लेने से पाइल्स बहुत जल्द ठीक हो जाती है। स्प्लीन या तिल्ली के बढ़ जाने में एलोवेरा 10 से 20 ग्राम
ले लेना है और उस पर 1 से 2 ग्राम चितरक बुर्क लेना है और इस छाल का चूर्ण डाले एलोवेरा को खाने से स्प्लीन और तिल्ली की वृद्धि रुक जाती है। आजकल ऑपरेशन से बच्चे होना या सीजन सेक्शन से बच्चे होना एक आम बात हो गई है। नॉर्मल डिलीवरी आजकल होती ही नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए 10 ग्राम जड़ शहद में मिलाकर प्रसूति के समय देने से डिलीवरी नॉर्मल होती है। गठिया रोग में चित्रक जड़, इंद्रजों, कुटकी, आशीष, हरड़ समान मात्रा में ले लेना है और इसका चूर्ण बनाकर लगभग 3 ग्राम चूर्ण रोज लेने से किसी भी प्रकार की गठिया और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। किसी भी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम होने पर चित्रक की छाल पानी में घिसकर लगाने से स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाती है। हिस्टीरिया हो जाने पे चित्रक की जड़, भ्रमी, बच तीनों का चूर्ण हमने 1 से 2 ग्राम ले लेना है और इसे 3 बार दिन में खाने से हिस्टीरिया में बहुत ही जल्द आराम मिलता है। बुखार हो जाने पर जड़ का चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पीपली का चूर्ण 2 से 5 ग्राम लेने से बुखार बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। अगर बुखार में खाना ना खाया जाए तो जड़ का एक टुकड़ा चबाएं, बहुत जल्द आपका खाना खाने का मन करेगा और आप आराम से खाना खा सकेंगे। चूहे का जहर चढ़ जाने पर अगर चूहा काट ले और उसका जहर चढ़ जाए तो चित्रक की छाल को तेल में पका लें और तलवे पर लगाने से चूहे का जहर बहुत जल्द उतर जाता है। यह पीलिया में भी बहुत उपयोगी है। ये हेपेटिक सेल्स को, लीवर के सेल्स को फिर से रिजुविनेट करती है, फिर से उन्हें तरोताजा कर देती है और पीलिया बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि कितनी मात्रा में इसका सेवन करना है। इसकी जड़ का सेवन हम 1 से 2 ग्राम ही करें तो आप जानते हैं कि किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। गर्भस्थ औरतें या प्रेग्नेंट औरतें इसका सेवन ना करें क्योंकि ये अबॉर्शन करवा सकता है, ये गर्भपात करवा सकता है। इसकी अधिक मात्रा में उपयोग करने पर लकवा या पैरालिसिस हो सकता है। गर्म तासीर के लोग इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बहुत ही उष्ण या गर्म तासीर की जड़ी होती है। मैं पुनः ये बताता चलूं कि इसका इस्तेमाल हमेशा किसी अच्छे चिकित्सक या वेद हकीम की देखरेख में ही करें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करके ही इसका इस्तेमाल करें। साथियों, अब मुझे विश्वास है कि आपको चित्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस प्रयास में सहभागी बनें। बहुत बहुत धन्यवाद।